हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में आज हम लोग एक फेस पैक बना रहे हैं जो स्किन के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा और आपकी स्किन को फेयर बनाएगा, ग्लोइंग बनाएगा और आपकी जो स्किन टोन है और उसका जो कॉम्प्लेक्शन है उसको सुधारने में हेल्प करेगा, ब्लेमिशेस फेस देगा आपको और नेचुरली ग्लोइंग स्किन देगा और रिड्यूस एक्नी जो होते हैं उनको हटाने में हेल्प करेगा, स्कार्स को हटाने में हेल्प करेगा और जो आपके स्किन पे फेशियल हेयर होते हैं उनको हटाने में धीरे धीरे हेल्प करेगा। तो इसमें जो हमने सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट जो चीज़ ली है वो हमने लिया है इसमें बेसन। तो बेसन सबके घर में ही अवेलेबल होता है। ये बेसन मैंने लिया है 1/2 टीस्पून के लगभग। और उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये अल्पस कंपनी का ऑरेंज पील पाउडर। ये मैंने पर्पल से परचेज़ किया था और अगर आप नहीं परचेज़ करना चाहते हैं तो आप घर पे ऑरेंज के जो छिलके होते हैं उनको सुखा के पाउडर बना सकते हैं। तो इसको भी हम थोड़ा सा इसमें ऐड कर लेंगे। तो ये मैंने 1/2 टीस्पून के लगभग ही ये पाउडर ले लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर ले रहे हैं कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी आपकी स्किन के जो फेशियल हेयर होते हैं और बेसन उनको धीरे स्लो करने में हेल्प करता है और आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है। तो हम यहाँ पर थोड़ी सी कर लेंगे कस्तूरी हल्दी ऐड इसके अंदर। तो ये तीनों चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर ली हैं, कस्तूरी हल्दी, बेसन, ऑरेंज पील पाउडर। तो अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी भी नहीं है तो आप घर में जो आपके नॉर्मल हल्दी होती है उसको 2-3 चुटकी ले सकते हैं, बट कस्तूरी हल्दी जो होती है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है आपकी स्किन के लिए। तो उसके बाद बस हमें करना है इसमें रोज़ वाटर ऐड। और अगर आपके पास इसमें से 1-2 चीज़ें भी नहीं है तो आप इसमें से जो भी आपके पास एक चीज़ अवेलेबल हो उसको यूज़ कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड देन इसको अप्लाई कर लीजिए अपने फेस पे और जब तक हल्का सा ये ड्राई ना हो जाए तब तक इसको हटाना नहीं है। जब ये पूरा सूख जाए, मतलब पूरा भी नहीं, हल्का गीला रह जाए आपके फेस पे, तब आपको उसको अपने फेस से वॉश कर देना है एंड उसके बाद आप देखेंगे अलग ही आपके फेस पे चमक आएगी, आपको बहुत ही रिफ्रेशमेंट फील होगा। तो ये जो फेस पैक है आपकी स्किन की टोन को सुधारने के लिए हेल्प करेगा, आपकी स्किन के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा गाइस। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।